सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि एक नंबर से दो दो मोबाइल फोन में कैसे व्हाट्सएप चलाएं, यानी एक ही नंबर होगा और दोनों मोबाइल फोन में एक ही नंबर से व्हाट्सएप कैसे चलाएं। क्योंकि दोस्तों आप सभी का भर भर के ये कमेंट आ रहा था कि भाई 2024 में कैसे हम एक ही नंबर से यानी इस मोबाइल फोन में व्हाट्सएप बनाएं, यही वाला व्हाट्सएप इस मोबाइल फोन में कैसे चलाएं उसके बारे में हमें फुल प्रोसेस में बताओ। तो आज की इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं, फुल जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी चलाना है जेन्युइन तरीके से व्हाट्सएप एक ही नंबर से दो दो मोबाइल फोन में, तो जान सकते हैं इस वीडियो को अगर फुल वॉच करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों यहां पर आप सभी देख सकते हैं मेरे हाथ में दो दो मोबाइल फोन है। तो सिंपली दोस्तों मैं एक ही नंबर से, ये वाला जो व्हाट्सएप है एक ही नंबर से बना हुआ है, इसमें भी चलाने वाला। तो सिंपली किस तरीके से सकते हैं आपको भी अगर चलाना है, तो सबसे पहले आपका इसमें तो व्हाट्सएप आपका चालू है, इसमें आप सभी देख सकते हैं सारी चीजें यहां पर आ रही हैं, चैट और सब कुछ आ रहा है, जो भी है फोटो जोटो सब सेंड हो रही हैं। अब यही चीजें आपको इसमें चालू करनी, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां पर आप टाइप करेंगे इसमें भी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आपको डाउनलोड कर लेना है इस भी मोबाइल फोन में, यानी इस वाले भी मोबाइल फोन में आपको व्हाट्सएप यहाँ पर टाइप करके आपको WhatsApp इस मोबाइल फ़ोन में आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें आप सभी देख सकते हैं इसमें इंस्टॉल हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ओपन कर दूँगा इसमें। तो सिंपली यहाँ पर ओपन जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसमें क्या मांगी जा रही है, यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अगर आप उसी मोबाइल नंबर को डाल देंगे जो इसमें चल रहा है तो डायरेक्टली इसमें लॉग आउट हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ एंटर योर फोन नंबर, यहाँ पर देखिए 3 डॉट बना हुआ है, 3 बिंदु। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिंक एस यहाँ पर दिखा हुआ, यहाँ पर डिवाइस दिख रहा है ना, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कोड आएगा। अब इस कोड को काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे तो इस कोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब आपको बताते हैं। इस कोड को यूज़ करके इस मोबाइल नंबर से इसमें भी व्हाट्सअप चला सकते हैं एक ही नंबर से। सिंपली इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपली इस मोबाइल फ़ोन में इस कोड को ओपन कर लेना है। अब इसके बाद आपको व्हाट्सअप इसमें ओपन करना है, इसके बाद इसमें भी यहाँ पर जाना है 3 डॉट पे। जैसे ही व्हाट्सअप ओपन कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर न्यू ग्रुप दिख रहा है, न्यू यहाँ पर बाई कॉड दिख रहा है, इसके बाद लिंक डिवाइस दिख रहा है, ठीक है। तो लिंक डिवाइस पर क्लिक कर देंगे, जैसे लिंक डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा लिंक है डिवाइस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है या फिर आपने जो भी पैटर्न लगाया है उसको। तो मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पर है तो मैं फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। जैसे इस पर लगा दूंगा इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सअप वेब यहाँ पर आपका रेडी हो चुका है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर कैमरा को ऑन कर देना है, यानी परमिशन को ऑन कर देना है, जो भी परमिशन आपको मांगा जा रहा है तो सारे परमिशन को आपको ऑन कर देना है। जैसे कि यहाँ पर कैमरा आपको देख लेना है, जैसे कैमरा नॉट अलाउ है तो यहाँ पर अलाउ कर देंगे, ठीक है, कैमरा को अलाउ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, इसमें जो आपने कोड ओपन किया था इस कोड को इसमें स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन कर लेंगे थोड़ा सा स्कैनिंग में वक्त लगेगा, तो यहाँ पर देखिए लोडिंग योर चैट, इसमें चैट लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आ गया लिंक डिवाइस, यहाँ पर लिख कर आ चुका है, यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब आपको सिंपली देखेंगे सारे चैट इस मोबाइल फोन में शो हो जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं सारे चैट ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर राधे राधे को ओपन मैं ओपन करता हूँ तो देखेंगे सारे चैट जो भी हैं इसमें भी दिख रहे हैं, और इसमें भी यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए हेलो टेक वाईटी ज्ञान, यहाँ पर लिखा हुआ सारे चैट आपको शो हो रहेंगे, देख रहे हैं सेम चैट। तो आप आसान तरीके से फोटोज़ भी वही देख सकते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए इस फोटोज़ को मैं ओपन डाउनलोड करता हूँ और इस फोटोज़ को, तो सेम फोटोज ये भी इसमें भी डाउनलोड हो जाएगी, इसमें भी डाउनलोड हो जाएगी, देख रहे हैं ना। तो कुछ इसी तरीके से आप एक ही नंबर से दो दो व्हाट्सएप को चला सकते हैं, कुछ यही आसान तरीका है। अब जैसे चला रहे हैं तो काफ़ी समय बाद आपको ये होता है कि इसे मैं बंद कर दूं, तो बंद करने के लिए सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पे जाएंगे, लिंक डिवाइस जो है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्टिव डिवाइस जो है इस पर क्लिक करके यहाँ पर लॉग आउट कर देंगे। जैसे ही लॉग आउट कर देते हैं इसके बाद देखेंगे यहाँ से हट चुका है, ठीक है, तो इसमें से हट चुका है। तो कुछ इसी तरीके से आप इसे हटा सकते हैं और चला सकते हैं। आइए अब दोस्तों आप सभी आसान तरीके से अपने एक ही नंबर से दो दो मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चला चुके होंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे भी कमेंट कर दीजिएगा। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक जाए डिस्क्रिप्शन में, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब के लिए धन्यवाद, जय।